क्या किया अभी, जैसे सर्बिया ने वीज़ा स्टार्ट किया था तो काफ़ी बंदों ने क्या किया कि होटल बुकिंग पे वीज़ा डाल रखे हैं, मोस्टली लोगों ने यही किया क्योंकि इन्विटेशन तो था ही नहीं किसी के पास। आपने जैसे मेरे सबसे फर्स्ट पर्सन जिसने ये वीज़ा लिया है और ट्रैवल भी किया है, तो मोस्टली लोगों ने होटल बुकिंग पे लगा रखा, तो उनको एम्बेसी कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रही है अभी तक नहीं, भी, मतलब है कोई कोई रिस्पॉन्ड नहीं है एम्बेसी का, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं, क्योंकि होटल बुकिंग पे पहली बात तो आपकी जिम्मेदारी कौन है, बहुत स्ट्रांग रीज़न है आपका सर्बिया आने का, किसी काम से आ रहे हैं, किसी बिजनेस से आ रहे हैं, टूरिस्ट ऑलमोस्ट नहीं आएंगे, मतलब ना के बराबरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सर्बिया ट्रैवल के बारे में और वीज़ा के बारे में भी, कि कैसे मिलेगा और ट्रैवल कैसे करा है। मतलब अश्विनी सर हैं मेरे साथ अभी, आपने इनको पहले भी देखा होगा वीडियो में, इन्होंने वीज़ा के बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सर वेलकम वंस अगेन, कैसे हो? थैंक यू। हाँ तो अभी अभी आप सर्बिया में ही हैं और रिसेंटली आपने ट्रैवल भी किया है सर, तो बताइए सर पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, दिल्ली से मतलब कैसे आए फिर सर्बिया कैसे, भाई कैसे पहुँचे? मैं दिल्ली से तो मैं आया अबू धाबी के रास्ते, फिर सर भी आ गया, इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से इमिग्रेशन हो गया। तो सर क्या मतलब ट्रांजिट वीज़ा लिया था कि दुबई का वीज़ा ही लिया था आपने? मेरे पास यूएई का ट्रैवल वीज़ा। अच्छा, ट्रैवल वीज़ा था, ठीक है। तो दिल्ली में तो कुछ इशू आया नहीं होगा? नहीं 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 कोई इशू नहीं आया दिल्ली में, भी आराम से हो गया। अबू धाबी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले तो काफ़ी इशू आते थे, लेकिन अब कोई इशू ऐसे नहीं आया, इशू बिल्कुल नहीं, कोई इशू नहीं आया, आराम से हो गया सब कुछ। बस उन्होंने वीज़ा देखा सर्बिया का, मेरे पास सर्बिया शेंगेन दोनों ही है, तो और अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो और सर यहाँ पे इमिग्रेशन कैसा था बेलग्रेड में, मतलब जो आए बेलग्रेड में इमिग्रेशन में कोई इशू नहीं था उनको, बस बेलग्रेड में अब ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि जिनके पास वीज़ा है उनको एंट्री है, जिनके पास वीज़ा नहीं है उनको एंट्री नहीं है, उनको एंट्री नहीं है। ठीक है, मतलब इजीली मतलब आपका ट्रैवल हो गया, कुछ भी क्वेश्चन भी वो नहीं पूछते आप, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखते, बस वीज़ा देखते हैं और एंट्री स्टैम्प लगा। ठीक है ठीक है ठीक है क्वेश्चन ठीक है। तो सर एक बार ना आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट हमें ज़रूर बताइए कि जो सर्बिया में मतलब वीज़ा के लिए अभी जो मैंडेटरी हैं, उस वीडियो जो हमारी थी वो एक्चुअली में डिलीट हो गई थी यूट्यूब से, तो एक बार इसमें दोबारा बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मतलब होने चाहिए बंदे के पास, वर्बली ऐसे बता दीजिए क्योंकि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो शायद हो सकता है इसी वजह से डिलीट हुई थी वो। देखिए डॉक्यूमेंट अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए ट्रैवल कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, पहली बात तो वो आपको प्रूव करना है अपने आप को, तो उसके लिए आपके पास में टिकट्स होने चाहिए, आपके जब आप रहेंगे वहाँ की होटल बुकिंग या जो भी एयरबीएनबी की जो भी डिटेल है वो होनी चाहिए, आपके पास आपके काम रिलेटेड या आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए डिटेल सारे, आप इंडिया में टैक्स भर रहे हैं उसके आईटीआर डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है ठीक है। उसके अलावा एक आपको यहाँ से रेफरेंस देना पड़ेगा सर्बिया को, लोकल जो आपके अप्रूवल दे सके, आपका रेफरेंस दे सके, होता क्या है कि वो पुलिस चेक करती है आप जानते हैं और आपने रेफरेंस दिया कि नहीं, मतलब एक्चुअली कैसे इनविटेशन चाहिए हमें सर्बियन सिटीजन से, राइट? सर्बियन, और जो सर इनविटेशन जो इनविटेशन वो भेजते हैं आज जैसे बता भी रहे थे कि भाई वो वहाँ पे पुलिस वेरीफाई करती है जाके कि भाई आपने ऐसे ऐसे आपने इस बंदे को इन बंदे को बुलाया है और क्या आपने बुलाया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा करके वेरीफाई करती है वहाँ पे, राइट? वहाँ पे चेक भी होता है उनसे, पुलिस चेक करती है कि आपने इनवाइट भेजा था, आप उनको जानते हो कितने साल से जाते हो, प्रॉपर क्वेश्चन होता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा डाउट भी होता है तो पुलिस उनसे कंसेंट भी लेती है कि आप इनकी जिम्मेदारी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है ठीक है। तो वो भी होता है हर तरीके से, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप जब यहाँ पर आते हो। तो सर ऐसा हो गया ना जैसे कि मतलब तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो गई कि मतलब जो भी बंदा अगर इन्विटेशन पे जाएगा तो जो सिटीजन है जो उसको इन्वाइट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो इधर उधर फिर मतलब जैसे ये इलीगली माइग्रेशन हो रहा था, बंदे जा रहे थे, कोई कहीं निकल रहा है कोई कहीं निकल रहा है, ये भी बंद ही हो गया ऑलमोस्ट, जो जेन्युइन ट्रैवलर है सिर्फ वही ट्रैवल कर पाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो गया है। अगर आपका सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड यही करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग रीजन से जा रहे हैं और आपका जो रेफरेंस यहाँ पर है वो
प्रूव कर पाएगा कि नहीं कि आपकी जिम्मेदारी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत क्लोज कोई होगा, हाँ हाँ आपका कोई बहुत जानने वाला होगा, वही इस तरह की जिम्मेदारी आपकी, अदरवाइज तो अगर बहुत मुश्किल है। अगर आप होटल बुकिंग लगा के अगर आप सोच रहे चले जाओगे तो होटल वाले कभी आपकी जिम्मेदारी नहीं। और सर आपने जैसे पहले आपने ट्राई भी किया था एक बार होटल बुकिंग पे, जैसे काफ़ी बंदों ने क्या किया, अभी जैसे सर्बिया ने वीज़ा स्टार्ट किया था तो काफ़ी बंदों ने क्या किया कि होटल बुकिंग पे वीज़ा डाल रखे हैं, मोस्टली लोगों ने यही किया क्योंकि इनविटेशन तो था ही नहीं किसी के पास। आपने जैसे मेरे सबसे फर्स्ट पर्सन हो जिसने ये वीज़ा लिया है और ट्रैवल भी किया है, तो मोस्टली लोगों ने होटल बुकिंग पे लगा रखा, तो उनको एम्बेसी कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रही है अभी तक नहीं, भी मतलब है कोई कोई रिस्पॉन्ड नहीं है एम्बेसी का, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं, क्योंकि होटल बुकिंग पे पहली बात तो आपकी जिम्मेदारी कौन है, आप अगर होटल में ना चेक इन तो कौन जिम्मेदार है। ठीक, तो मतलब ये मेन रीज़न है कि भाई होटल बुकिंग पे जिन्हें भी अप्लाई कर रखा है तो उनके चांस मतलब वीज़ा आने के मुश्किल ही हैं, बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो अब ना वीज़ा शायद। हाँ हाँ हाँ, और वैसे भी सर जैसे आपने सर इनविटेशन लिया था, आपको कितना टाइम लगा पूरा वीज़ा लेने में, लेने तक? मेरे को अप्रॉक्स लग गए थे 35 से 40 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया, मतलब 35वें दिन मुझे मेल आ गया था कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आप आ जाओ। ओके ओके, तो इनविटेशन आने के बाद आपने अप्लाई किया, जैसे और सब ने अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, आपने भी मेल ही किया होगा ना? हाँ, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना के जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट थे जिप फाइल बना के मेल करते हैं, वो जिप फाइल बना के मैंने एम्बेसी को मेल कर दी थी, जो उनकी आईडी उनके वेबसाइट पे लिखी हुई है, और फिर उसके बाद करीब महीने भर तक मैंने वेट किया था। तो जो मेरे पार्टनर हैं यहाँ पे सर्बिया में, उन्होंने मुझे बता दिया था कि दरखास्त पुलिस का कॉल आ गया है। ओके ओके ओके, तो उन्होंने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे कॉल आया था, जो ये पूछ रहे थे हमारे बारे में, तो अच्छा बड़ी गुड, तो उन्होंने सब बता दिया था। उसके 10 दिन लगे होंगे मेरे ख्याल से दरखास्त में, 10 दिन 15 दिन मतलब आ जाता है। तो नॉर्मल प्रोसेस ये है कि भाई अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन है तो उसके चांस बनते हैं वीज़ा आने के, अदरवाइज जैसे होटल बुकिंग पे जिन्होंने डाल रखा है जनवरी फरवरी से जिन्होंने डाल रखा है, तो उनका चांस कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि वीज़ा आएगा, राइट? हाँ एकदम। और दूसरी चीज़ बहुत सारी ये भी इश्यूज हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट अपने सारे स्ट्रॉन्ग लगाओ, अच्छे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके सारे होने चाहिए, अगर आप ITR लगा रहे हो प्रॉपर तो आप प्रूफ होना चाहिए कि आप इतने दिनों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, और सैलरी स्लिप अगर आप लगा रहे हो तो आप सैलरी स्लिप लगा, तो मतलब आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप अपने आप को प्रूफ करने में लगाओगे तो उतना ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और आप इंडिया वापस आओ। ओके 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 ओके, ठीक है। तो सर अभी के टाइम में कैसा वेदर है सर्बिया में? वेदर बहुत अच्छा है अभी सर्बिया में, ठंड है तो अभी तो ठंड है अभी लोग, हाँ ठंड है अभी भी, 12-15 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, और लोग तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि किस टाइम गर्मियों का टाइम है, बारिश हो रही है काफ़ी, वेदर बहुत अच्छा है। ओके, तो आप सर कहाँ पे, बेलग्रेड में है कि कहीं और है अभी? मैं बेलग्रेड, बेलग्रेड में। ओके ओके, तो सर जैसे पहले तो काफ़ी इंडियंस थे, अभी आपको दिखते हैं इंडियंस? नहीं अभी तो एक का दुका दिखे थे, पर बहुत कम है पहले से, पहले तो मैं जब आया था तो कुछ काफ़ी इंडियंस दिख सकते थे, पर अभी एक का दुखे दिखे थे, अभी बहुत काफ़ी कम है इंडियंस। ठीक है, मैं विजयर में भी आया तो विजयर मैंने जानबूझ के इस बार ट्राई किया था, तो उसमें भी मेरे को कोई इंडियन नहीं दिखा। आपने बात हुई थी सर, आपने बोला था कि मैं इसे ट्राई करूँगा, अगर मैंने बोला था कि अब तो कोई इशू है ही नहीं, आप बड़े मज़े से जा सकते हैं। हाँ कुछ उन्होंने, कुछ विजियर वालों ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, मतलब मैंने बस उनको सामान दिया, उन्होंने सामान लगाया, मैंने वीज़ा दिखाया बस। ओके 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 ओके, ठीक है। तो सर आप सजेस्ट यही करते हो कि भाई अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इनविटेशन है तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज जैसे एम्बेसी की फ़ी भी जाती है तो मेरे हिसाब से वो वेस्टेज ऑफ मनी ही है, राइट? वेस्टेज ऑफ मनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन होना चाहिए और आपकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ, हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तभी आप अप्लाई करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपका सर्बिया आने का, किसी काम से आ रहे हैं, किसी बिजनेस से आ रहे हैं, टूरिस्ट ऑलमोस्ट नहीं आएंगे, मतलब ना के बराबर ही है, अगर आप बिजनेस या काम और किसी वजह से सर्बिया आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम,
आप प्रूफ कर पाओगे? अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पज से आ रहे हो तो अभी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लोगों को अभी अप्लाई ना करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो मुझे पता चला है कि ये लोग शायद अपने प्रोसेस को थोड़ा सा ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा, दिनों में, कुछ ओके 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 ओके। तो मतलब कुछ मतलब अपडेट आ सकती है वीजा वीजा से अपडेट आ रिलेटेड। सकते हैं। हाँ, जो मैंने जो मुझे पता चला है, थोड़ा सा ये लोग ऑटोमेट कर रहे हैं कि जैसे आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आप बता हाँ, दीजिए मतलब थोड़ा ऑनलाइन। मतलब वो किसी वीडियो देख के, जेन्युइन ट्रैवलर भी हैं बहुत सारे बंदे हैं, वो भी करेंगे और होपफुली उनका भी आएगा तो वो भी ट्रैवल करेंगे, राइट। हाँ, तो मतलब अगर ऐसा प्रोसेस थोड़ा उनका और ज़्यादा फास्ट हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा और रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा लोगों को, हाँ, राइट। इनका भी कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश चल रही है मेरे ख्याल से, जो मुझे अपडेट अभी तक मिला है ऑटोमेटेड हो रही है चीज़ें। तो एक्चुअली जिस दिन मैं आया उस दिन बहुत सारे, जब मैं बाहर निकला एयरपोर्ट से तो बहुत सारे इंडिया के झंडे लगे। हाँ, अच्छा इंडिया के झंडे लगे हुए हैं, ओके, बहुत सारे लगे। अच्छा तो मैं बड़ा हैरान हुआ देख के, मैंने कहा यार इतने सारे इंडिया के झंडे हो क्या गया, मोदी जी आ गए, क्या बात हो गई। फिर तो क्या रीजन था? फिर बाद में पता चला कि जो हमारी प्रेसिडेंट है वो भी उसी दिन आई थी। अच्छा, ओके ओके ओके, तो सेम डे आप चले गए सेम डे आपका वो भी भी अच्छा आई हुई वेलकम हो थी। गया, हाँ, तो सेम डे वो भी आई हुई थी। फिर अच्छा बाद में मुझे थोड़ा सा काम था, मैं एम्बेसी गया तो मुझे पता चला कि वो भी आई थी। फिर बाद में थोड़ी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ओके थोड़ा सा ऑटोमेशन का काम चल रहा है, हो जाएगा, बेटर ओके ओके, हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के, काफ़ी बिजी चल रहे हो आप वहाँ पे, आपने टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे आपने ट्रैवल किया और डॉक्यूमेंट्स आपने बताए, लेटेस्ट अपडेट भी बताई कि वीज़ा की ये अपडेट है भाई और ऐसे आपको वीज़ा मिलेगा और कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर वीज़ा आपको मिल जाता है ट्रैवल कैसे करना है वो भी इन्होंने बताया, और बड़े सस्ते में अच्छे से आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, इमिग्रेशन एकदम सुपर स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने बताए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो वीज़ा की जो फाइल है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है इन्विटेशन, अगर वो आपके पास सही है तो देन डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा, बट होटल बुकिंग पे चांस आपके बहुत कम है कि भाई वीज़ा आपको मिले, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो ट्राई मत करना, क्योंकि उसमें होटल बुकिंग पे चांस बहुत कम है, अदरवाइज आपकी एम्बेसी फ़ी भी है वो भी चली जाएगी क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, टाइम निकाला थैंक यू, आपने, बिल्कुल हाँ, बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।